नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य की जनता से सिर्फ झूठे वादे किए हैं। उन्होंने तेलंगाना के गढ़वाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीआरएस की सरकार पर हमला किया। शाह ने कहा कि केसीआर ने झूठे वादों का रिकॉर्ड बनाया है। आने वाले विधानसभा चुनाव तेलंगाना के भविष्य को बताएंगे। यहाँ की जनता को डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। गृह मंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना के युवाओं से हम कहना चाहते हैं कि वे अब बीआरएस को बीआरएस दे दें। मतलब कि मुख्यमंत्री केसीआर ने किसान को कोई भी अधिकार नहीं दिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। केसीआर की पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति है। वहीं अमित शाह ने तेलंगाना में पिछड़े की राजनीति को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग अगर कमल को खिलाते हैं और कमल की सरकार बनवाते हैं तो हमारा मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होने वाला है। लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि केसीआर ने मुस्लिमों को धार्मिक आरक्षण दिया है, ये संविधान के खिलाफ है। हमारी सरकार बनते ही हम उसे खत्म कर देंगे। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर गृह मंत्री ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में राम मंदिर के मुद्दे को अटकाया, वह इस मुद्दे पर लोगों को भटका रही थी। वहीं बीजेपी लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का काम करती रही है। इसकी गूंज विधानसभा चुनाव में भी सुनाई दे रही है। बता दें, AIMIM चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और केसीआर की बीआरएस के बीच तेलंगाना में गठबंधन है। वहीं गृह मंत्री ने इस गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी का चुनाव चिन्ह कार है, लेकिन कार का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है। कांग्रेस बीआरएस और मजलिस 2G और 3G और 4G पार्टी है। वहीं केसीआर और कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को टिकट देने में अन्याय किया है। अमित शाह ने कहा है कि केसीआर हैदराबाद विमोचन दिवस मनाने में शर्म आती है। वहीं हम लोगों ने तय किया है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी।